हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विमेंस मनी इन द बैंक के क्या विनर लीग हो क्या गई है, क्या इस साल का विमेंस मनी इन द बैंक नया जैक्स जीतने वाली है, क्या इस साल का विमेंस मनी इन द बैंक सीनियर बिजलर हार जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि अभी से कुछ दिन पहले मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया है कि विमेंस मनी द बैंक और मेंस मनी द बैंक की विनर लिस्ट होके आ गई है, यानी कि बेटिंग ओड्स रिवील हो गई है और बेटिंग ओड्स में टॉप थ्री विमेंस का नाम चल रहा है। और आपको मैं थोड़ी मेरी पहले बेटिंग ओड्स के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, बेटिंग ओड्स एक प्रकार से बहुत मेजर रोल करती है WWE में किसी चीज़ को भी राइज करवाने में, क्योंकि बेटिंग ओड्स एकदम हमेशा एक्यूरेट चीज़ ही बताता है, यानी कि बेटिंग ओड्स हमेशा आसपास में ही विनर के रिगार्डिंग घूमते रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी विमेंस मनी द बैंक के विनर कुछ लीक्ड होके आई है, यानी कि उसके बेटिंग ओड्स रिवील हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स टॉप थ्री से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर थ्री पे जो नाम निकल के आ रहा है काफ़ी शॉकिंग नेम है, और वो ऑल कोई नहीं बल्कि सेसी सदरवेल लेसी एवेंस। तो फ्रेंड्स, अभी लेसी एवेंस के भी चांसेस हैं कि इस साल का जो सिक्स वेमेंस मनी इन द बैंक होगा उसको शायद लेसी एवेंस भी जीत जाएं और वो हरा देंगे अपने ओपोनेंट को। और फ्रेंड्स, नंबर टू पे नाम चल रहा है सीना बेजलर का। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि सीना बेजलर का हमें NXT में डेब्यू देखने को मिला है, और असल में 36 में वो काफ़ी बड़ा मैच हार चुकी है बेकी लिंच से। तो माना जा रहा है कि जो इस साल का सिक्स वेमेंस लैडर्स मैच होगा उसके सबसे ज़्यादा सीना बेजलर के भी जीतने के चांस हैं कि सीना बेजलर भी इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत जाएंगे और वो अपने नाम कर लेंगे। और नंबर वन पे जो नाम चल रहा है काफ़ी शॉकिंग नेम है, और मैं भी खुद शॉक रह गया कि नंबर वन पे इनका नाम कैसे चल रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि नया जैक्स हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि अभी से कुछ वीक पहले यानी कि पास्ट वीक के रॉ में हमें इनका रिटर्न देखने को मिला है, और जैसा कि अगर आपने इस वीक वाला मनी नाइट रॉ को फॉलो किया होगा तो WWE कितना डोमिनेटिंग दिखा रही थी नया जैक्स को, और नया जैक्स पूरे मतलब आस्का और सीना बेजलर पे भारी पड़ी थी। हमें ट्रिपल थ्रेट मैच तो देखने का नहीं मिलता है, लेकिन मैच से पहले ही WWE डोमिनेटिंग दिखा देती है उनको और मैच इंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी नया जैक्स के भी नाम चल रहे हैं कि जो सिक्स वेमेंस लैडर्स मैच होगा उसके नया जैक्स में भी जीतने के चांसेस हैं, और वो भी नंबर वन पे स्पॉट है उनका कि वो सिक्स वेमेंस लैडर्स मैच को जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पर्सनली थॉट्स बताऊँ तो मुझे लगता है कि इस साल का जो सिक्स वेमेंस लैडर्स मैच होगा या तो कोई स्मैकडाउन से ही वो वीमेंस होगा जो कि जीत सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इस साल का जो होगा वो कोई रॉ से सुपरस्टार जीत सकता है। पॉसिबिलिटीज है कि कोई रॉ से भी सुपरस्टार जीत सकता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे पर्सनली कमेंट में लिख के बताएं कि क्या कोई रॉ का सुपरस्टार भी इस साल का सिक्स वेमेंस मनी इन द बैंक जीत सकता है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रोग्रेसिंग सेटिंग्स सबसे पहले अपने चैनल पे देते हैं। तो फाइनली पीस आउट फ्रेंड।